नमस्कार। आज बात करते हैं कि माँ बाप को अपनी सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस क्यों करनी चाहिए। व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू हैव सम सेल्फ केयर रिचुअल्स इन प्लेस। हमारी जिंदगी में अगर हम एक ऐसा सिनेरियो डिसाइड करें कि हमारे पास एक छोटा सा गार्डन है, छोटा सा बगीचा है, और उसमें हम रोज सेल्फ लव, अपने तरफ प्यार, काइंडनेस, हैप्पीनेस, जॉय के बीज डाल रहे हैं, कुछ समय के बाद वो जब बीज बड़े होंगे और उसमें से जब फूल आएंगे तो वो फूल ऐसी क्षमता रखते हैं कि आपकी आपकी सेहत की और आपके बच्चे की सेहत पे बहुत पॉजिटिव असर करेंगे। कई लोग ये कहते हैं कि सेल्फ केयर इज़ वेरी सेल्फिश। मुझे ऐसा नहीं लगता। सेल्फ केयर सेल्फिश इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे हम किसी और का ध्यान कैसे रख सकते। कितनी बार मेरे काउंसलिंग सेशन में पेरेंट्स आके ये बोलेंगे, कोई मेरा ध्यान रखता ही नहीं है, मैं तो सुबह से लेकर शाम तक चाहे दफ्तर में काम कर रहा हूँ, या मैं वाइफ्स बोलेंगे मैं घर पे काम कर रही हूँ, किसी को मेरे ध्यान रखने की इच्छा ही नहीं होती, लोग मेरे बारे में सोचते ही नहीं। लोग ऐसा नहीं चाहते कि हस्बैंड आपके बारे में नहीं सोचता या वाइफ आपके बारे में नहीं सोचती, लेकिन अगर हम अपने बारे में खुद सोचेंगे, अपना ध्यान खुद रखेंगे, तो हमें उनसे उम्मीद ही नहीं होगी। जब हमें उम्मीद नहीं होगी, जब हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, तो हमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। जब हमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा तो हमारी हैप्पीनेस इंटैक्ट रहेगी। अब कुछ चीजें जो आप अपनी सेल्फ केयर के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप उठते हैं तो उस वक्त आपको एक अगर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की आदत पड़ जाए तो बहुत अच्छा होगा। ओपरा विनफ्री ये कहती हैं कि अगर हम एक ग्रैटिट्यूड की और कुछ ना करें, सिर्फ एक ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करें, तो हमारी जिंदगी में और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें आती हैं। क्योंकि जो चीज़ हमारे पास है हम उसी का धन्यवाद करते हैं। हम अपने आसपास ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हैं कि ज़्यादा हैप्पीनेस और ज़्यादा जॉय आए। तो उठते ही सबसे पहले, बिस्तर से नीचे उतरने से पहले, अगर आप हाथ जोड़कर, आप जिस भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, राम को, रहीम को, जिसको मानते हैं, हाथ जोड़कर ये धन्यवाद करें कि हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरी आज एक नया दिन मेरी जिंदगी में आया है। जब हम सो रहे हैं पता नहीं कितने हजारों लोग अपना जीवन त्याग देते हैं। मैं उठी हूँ और मेरे सारे सेंसेस, मेरी बॉडी फिजिकली, मेंटली सब काम कर रहा है, उसका लाख लाख शुक्र है। आज मैं आपको धन्यवाद करता हूँ या धन्यवाद देती हूँ कि मेरी लाइफ बिल्कुल इस वक्त अच्छी है और मेरी ज़िंदगी में, मेरी फैमिली में सब ठीक है, वो सब आपकी कृपा है। ये कृतज्ञता का भाव रखना साइंटिफिकली प्रूव करता है कि आपको ज़्यादा शांति देता है। अगर हम सारा टाइम दौड़ में लगे रहें, जब हम ये रियलाइज ना करें मुझे ये भी चाहिए, या ये करें मेरी ज़िंदगी में ये सही नहीं है, मेरी ज़िंदगी में ये सही नहीं है, मेरी ज़िंदगी में वो सही नहीं है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बताता है कि जब हम उस स्पेस में होते हैं जब हम या तो नुक्स निकाल रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ, या हम दुख मना रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ, या हम कृतज्ञता का भाव नहीं रखते, तो हम अपनी एनर्जी से उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं और वही चीज़ें हमारे सामने आती हैं जो हम नहीं चाहते। तो एक फंडामेंटल प्रैक्टिस आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी फैमिली एज अ फैमिली प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि सुबह उठते ही भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का, राम का, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपकी इष्ट देवता हैं, उनका धन्यवाद देना। और आप खुद जब इस प्रैक्टिस को करेंगे आपको लगेगा आपका दिन किसी डिफरेंट एनर्जी से शुरू होता है। तो पहली प्रैक्टिस तो ये है। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो आप ये कर सकते हैं कि आपको जो भी खाना पसंद हो, आप जिस भी तरह का फूड खाना पसंद करते हैं, क्योंकि फूड भी एनर्जी है। जैसे मैं हूँ, मुझे आलू बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं हफ्ते में दो बार आलू ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि मुझे आलू से प्रेम है। मुझे आलू इतने अच्छे लगते हैं कि जब मैं आलू का पराठा खाऊं, आलू गोभी की सब्ज़ी खाऊं, बीन्स आलू की सब्ज़ी खाऊं, मेथी आलू खाऊं, आलू पूरी खाऊं, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल गार्डन गार्डन हो जाती है। आपका फेवरेट फूड क्या है?
आप हफ्ते में दो बार वो चीज़ ज़रूर बनाएं, क्योंकि फूड हमको एनर्जी देता है, फूड हमें जॉय देता है, फूड हमें खुशी देता है। जब आप वो बनाएंगे जो आपको अच्छा लगता है और उसको इंजॉय करेंगे तो आपको बहुत हैप्पीनेस मिलेगी। ये भी एक फॉर्म का सेल्फ केयर है। तीसरी चीज़, आपको क्या हॉबीज़ अच्छी लगती हैं? क्या आपको पढ़ना अच्छा लगता है? आपको स्टिचिंग अच्छी लगती है? आपको गाना अच्छा लगता है? आपको जुम्बा करना अच्छा लगता है? आपको मॉल में जाना अच्छा लगता है? कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ जाके आपको लगता है आई एम फीलिंग वेरी गुड? इट कुड बी एनीथिंग। आपको अपने फ्रेंड्स पे फ़ोन पे बात करना अच्छा लगता है? कोई भी इनमें से जो चीज़ है वो अगर आप करेंगे, कॉन्शियसली करेंगे, अपनी डायरी के स्केड्यूल में देखेंगे कि इस हफ्ते मैं दो चीज़ें ऐसी करूँगी जो मुझे करनी अच्छी लगती हैं, और आप उनके लिए टाइम निकालेंगे। लेकिन मैं आपको ये वॉर्न कर दूँ, टाइम निकालने के लिए स्केड्यूल में डालेंगे कि मैं ट्यूसडे इवनिंग में 3 से 4 बजे तक म्यूज़िक सुनूंगी, या मैं सैटरडे इवनिंग को मॉल जाऊंगी, या मैं वेडनेसडे को अपनी डांस की प्रैक्टिस करूंगी। जो भी आपको इंजॉयमेंट देता है, दिल से खुशी आती है, जैसे मेरी एक फ्रेंड कहती है दिल गार्डन हो गया, ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इतनी खुशी देती हैं? आप उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसको अपने स्केड्यूल में लिखेंगे। जब हम अंदर से पूरे हैं, जब हम अंदर से हमारी खुशी है, जब हम अंदर से जानते हैं कि हम अपना ध्यान रख रहे हैं, हमारी जिंदगी की क्वालिटी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन हमें कभी भी जिंदगी में ये सिखाया ही नहीं गया कि अपनी सेल्फ केयर करो, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो सुबह से लेकर शाम तक। या हम अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे होते हैं, या अपनी वाइफ के लिए कर रही होती है, वाइफ बच्चे और हस्बैंड का ध्यान रख रही होती है, लेकिन अपने लिए हम कुछ नहीं कर पाते और हम कॉन्शियसली कुछ नहीं कर पाते। जब हम वो नहीं कर पाते तो हमारे अंदर एक तरह से थकान बैठनी शुरू हो जाती है। हम लोग कहते हैं अरे ये जीना भी कोई जीना है, मिस्टर नटवाल प्रसाद पिक्चर का गाना था, सॉन्ग था ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, वही वाली बात है कि अगर हम अपने लिए, अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं कर पाते तो बहुत जल्द हम उस रट में फंस जाते हैं कि जीना भी कोई जीना है। हम उस रट से निकल नहीं पाते क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। चौथी चीज़ जो आप कर सकते हैं जब आपको अपनी सेल्फ केयर का ध्यान रखना है, वो ये है कि आप एक हॉबी जैसे कि जर्नल राइटिंग, जैसे कलरिंग बुक्स, जैसे कि मेडिटेशन, वो चीज़ें करें जो आपके दिमाग को शांति दें, जिसमें से माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, कलरिंग बुक्स बहुत आगे तक काम आती हैं। हमारे माइंड में, हमारे मस्तिष्क में आई थिंक 60,000 थॉट घूमते हैं 1 मिनट के अंदर। इतने सारे थॉट्स इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर हमारे दिमाग में चलते फिरते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग शांत नहीं होता, उसको शांत होना नहीं आता, तो अगर एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस हम करते हैं और एक मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, या बैठ के कोई कीर्तन सुनते हैं, या गुरबाणी का पाठ सुनते हैं, या हम बैठ के बुक्स कलर करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमारे थॉट्स थोड़े स्लो हों, वो हमारे लिए बहुत ब्यूटिफुल प्रैक्टिस है। क्योंकि अब ये साइंस प्रूव करती है कि हमें फिज़िकल डिजीज़ जो भी होती है वो तो बाद में आती है, बट हमारी फिज़िकल डिजीज़ वरी, स्ट्रेस, टू मच थिंकिंग से आती है। तो अगर हम अपने थॉट्स को थोड़ा सा कम कर पाएँ इन में से कोई भी प्रैक्टिस को अपनाने से, दैट्स अ ग्रेट वे टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। पाँचवीं चीज़, ये करना बहुत मुश्किल है लेकिन लोग क्या कहते हैं उस पे ध्यान देना बंद कर दें। आपकी ज़िंदगी में आप, आपके बच्चे, आपका परिवार इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरे के बच्चे, दूसरे का परिवार क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, क्या अच्छा कर रहा है, क्या बुरा कर रहा है, वो आपकी ना तो आपकी वो टेरिटरी में आता है और ना आपके कुछ कहने से या आपके समझने से वो चीज़ बदलती है। अपने दायरे को समझना बहुत ज़रूरी है।
आपकी ज़िंदगी में शायद आपका परिवार और आपके बच्चे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हम सारा टाइम अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों से कंपेयर करते हैं? प्रॉब्लम बच्चों की नहीं है, अगर बच्चों को छोड़ दें तो उनसे भी ध्यान, उनसे भी खेलते रहेंगे। लेकिन जब हम बच्चे को ये कहते हैं कि देखो उन आंटी का बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, तुम्हारी मस्तबाजी का बच्चा तो क्लास में फर्स्ट आता है, बच्चे के अंदर एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। हमारे अंदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आता है जब हमारा पड़ोसी गाड़ी ले लेता है। अगर हम इतने ही बड़े और इतने दिलदार हैं तो उसकी गाड़ी को देख के हमें क्यों जलन होती है? क्योंकि हमने अपनी अटेंशन उन पे देना सीखा है कहीं पे, हमने अपनी हैप्पीनेस का कुछ क्वेश्चन, कुछ हिस्सा उनके ऊपर दे दिया है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, वो जो कर रहे हैं वो करेंगे, वो जहाँ जाते हैं हम नेक्स्ट हॉलीडे पे वहीं जाएंगे। अपने परिवार को वो इम्पोर्टेंस देना और बाकी लोगों को उससे बाहर रखना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी में ऐसा अक्सर देखा जाता है कि बाहर के लोग क्योंकि अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं, वो आके आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करेंगे, वो आके आपको कहानियाँ सुनाएंगे, वो आके आपको बोलेंगे अरे तुमने ये नहीं देखा, तुमने वो नहीं देखा, तुमने ये नहीं किया, मैंने क्या खरीदा? मुझे आपको आके बताने की ज़रूरत है नहीं कि आपने खरीदा, या तो ये हो आपने खरीद के मुझे दे दिया तो मेरी लाइफ बन गई, ऐसा तो होता नहीं है। आपने वो खरीदा और आपने अपने ऊपर उस चीज़ को फोकस किया, आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन क्योंकि हम सब जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो जर्नी है। लेकिन जब तक हम उस जर्नी को बिल्कुल अच्छे से भाप ना लें, अच्छे से मैनेज नहीं कर लें, बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों की बातों पर मत ध्यान दें। दूसरे या क्या कह रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, अगर उससे आप 30% भी कम कर देंगे और वही इंटेंशन, वही फोकस आप एज अ फैमिली, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने ऊपर, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ पर स्पेंड करेंगे, देन योर लाइफ विल बी मच बेटर। और जब आप ऐसा करेंगे वो दूसरे लोग बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे क्योंकि उनकी ताकत तो आपने छीन ली, आपने उनसे वो एबिलिटी छीन ली कि वो आपको कंट्रोल कर सके, तो वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। वो तरह तरह की चीज़ें कोशिश करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में वापस से दखल देने की कोशिश करें। लेकिन आपको अडिग रहना है, मुझे किसी के बारे में बात नहीं करनी, मुझे किसी के बारे में सोचना नहीं है, लोग जो कर रहे हैं वो उनकी ज़िंदगी है, मैं उन चीज़ों पे फोकस करूँगी या करूँगा जो मेरी ज़िंदगी में मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने को हमेशा रोज़ एटलीस्ट वंस अ डे शीशे में जाके खड़े होके देखें और कहें आई एम इनफ। मैं जैसी भी हूँ, मैं जैसा भी हूँ, मेरे में जितनी खामियाँ हैं मैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी या कोशिश करूँगा, लेकिन मैं जैसी हूँ बहुत हूँ, आई एम इनफ। दूसरों से उम्मीद रखना कि आपने एक अच्छी सब्जी बनाई तो कोई उसकी तारीफ करेगा, कुछ नहीं होने वाला, आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो मेरे पापा जैसे कहते थे बेटा ये हाथ ना यहाँ जाता है, अपनी तारीफ करना, अपने को इज्जत देना, अपनी तरफ काइंडनेस दिखाना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये किसी और की जिम्मेदारी है नहीं और कोई ये जिम्मेदारी निभाएगा भी नहीं। जब हमें पता है कोई और इंसान ये नहीं करेगा तो हम क्यों ना टेक चार्ज करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, हम सब ये कर सकते हैं। और इसके साथ आपको ये सोचना कि जब मैं अपना सेल्फ केयर करूँगी या जब मैं अपना सेल्फ केयर करूँगा तो उसका बहुत पॉजिटिव असर मेरे बच्चों पे पड़ेगा, ये बहुत ब्यूटिफुल थॉट है। अपना ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप इसको जल्दी करना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।